शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायद रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ FPSC के थ्रू जो जॉब के लिए टेस्ट होने जा रहे हैं SST का, और इसके अलावा TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, उनके जो टेस्ट होंगे उनका जो सिलेबस है वो सारे का सारा जो है सिलेबस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उनमें से कौन सा मटेरियल जो है आएगा और हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है, वो सारा मटेरियल जो है उसका सलूशन जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रिपेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये पोस्ट नज़र आ रही है सेकेंडरी स्कूल टीचर SST फीमेल और मेल की, जो कि आज से तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने पहले जिन जॉब्स का ऐलान हुआ था उनकी रोल नंबर स्लिप्स जो है वो आ चुकी हैं। तो इसमें से जो हम BEd का जो पोर्शन कवर करने वाले हैं ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स उन्होंने पार्ट टू में दिए हुए हैं। पार्ट वन में जो है इंग्लिश का पोर्शन है 20 मार्क्स का, फिर आगे 80 मार्क्स का जो होगा वो BEd MEd में से होगा। इसमें से जो हमने पोर्शंस कवर करने हैं वो ये सारे पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन प्लानिंग इन एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हमने देखेंगे। ये इंशाल्लाह इनके जो है सबसे ज़्यादा जो पास पेपर्स में रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है दूसरा एक MIS ऑफिसर का जो 16 स्केल का जो है ये भी टेस्ट आ रहा है, ये भी इसकी भी डेट शीट स्लिप्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इसमें भी जो कुछ सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक है ये, इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब BEd से रेलिवेंट जो है प्रोफेशनल वो मैं यहाँ पे बनाने जा, इनके जो सलूशन है वो बनाने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है इस वाली सीट के का जो सिलेबस है इसका भी यहाँ पर सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका जो पार्ट थ्री जो है ये BEd MEd से रेलिवेंट है, MA एजुकेशन से, इसका जो सलूशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इसमें से ये सारा तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कैटागरीज हैं यहाँ पे, एक कैटागरी है B कैटागरी है और इसमें C कैटागरी है, लेकिन इनका पार्ट थ्री जो है ये ऑलमोस्ट सबका सब सेम ही है, ओके, ट्रेंड ग्रेजुएट का। इसके अलावा जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की सीट्स हैं, इनका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इसका जो है पार्ट थ्री जो है इसमें BEd को इन्वॉल्व किया हुआ है। पार्ट थ्री में टीचिंग टेक्निक एंड मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, और इसके अलावा जो है टेस्टिंग एंड इवेलुएशन, ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड है। ये सारा पोर्शन जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें ताकि जो भी वीडियोस आएंगी वो आप लोगों तक बरवक्त पहुँच सके। तो आज मैं फिर भी इसका स्टार्ट ले लेता हूँ, SST का जो है स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो मैं प्रोपोर्शन, इसका जो सिलेबस है इसमें पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एक टॉपिक ये, और दूसरा एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, ये मैं आप लोगों के साथ है वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1977 वाज हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर को हुई थी। ये स्टार की मदद से जो जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर है। द एडमिशन राय एट हायर सेकेंडरी लेवल टिल 1900, ये देखिए सारे के सारे ये मल्टीपल चॉइस है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने को, जस्ट आप लोगों ने खुद ही यहाँ से रीड कर लेना है एक सीक्वेंस के साथ, जिस तरह एक बुक में सब्जेक्टिव होता है ना टॉपिक बाय टॉपिक, इसी तरह ये मल्टीपल चॉइस हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको सारे को अच्छे से एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपका ये मज़ीद कंसेप्चुअली जो है ये आपकी प्रिपरेशन जो है ये हो जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास ये आ गया, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, उसी का ही है ये पोर्शन। हु वाज़ द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ पाकिस्तान,
डॉक्टर कनीज़ यूसुफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा आप यहाँ से इसको रीड कर लेंगे और इसका स्टेप बाय स्टेप जो है ये आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ये हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वर इस्टेब्लिश, दोनों सेपरेटेड हैं। एजुकेशन आगे देख सकते हैं, ये सारे इसके जो हैं, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो एजुकेशन से रेलिवेंट जितनी भी सीट्स आती हैं उसका, उसमें जो रिवाइज होने वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें से आपने कोशिश करनी है ये सारे के सारे जो हैं आप इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, इसमें टोटली पाकिस्तान की एजुकेशन के मुतल्लिक है, ये सारे मल्टीपल चॉइस, हेडमास्टर की पोस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनकी सीट्स आती हैं, तो ये सारे उन्हीं में रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे वो ही हैं। अब इंशाल्लाह ये प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप जो है ये टेस्ट ईजीली जो है वो पास कर सकते हैं। ओके, सो तकरीबन ये 100 तक मल्टीपल चॉइस हैं इसी टॉपिक पे जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से इंशाल्लाह कर लेते हैं तो आपका जो है टेस्ट है वो आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये जनाब अली ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले टॉपिक के जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं। तो ये था हमारा आज की पहली वीडियो, तो आप इसको काइंडली पॉज करके इसको रीड करें और इसको अंडरस्टैंड करें। ये सारे जो हैं अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो वो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक सीक्वेंस के साथ टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं बुक में, उसी में से निकाल निकाल के जो है यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो ये पहली वीडियो जो है ये यहाँ पे अब इख्तिताम को पहुँची है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम या पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये पहली वीडियो जो है ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आप लोगों ने इसके साथ, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्ला खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फर्दर वीडियोस, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।